गाइस का बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस या बेसिक होम यूज के लिए एक सस्ता टिकाऊ क्रोमबुक लेना चाहते हैं जिसमें आपको एक डिसेंट परफॉर्मेंस देखने को मिल जाए, तो आज मैं आपको एसुस के ब्रांड न्यू क्रोमबुक के बारे में बताऊंगा जो रिसेंटली इंडियन मार्केट में लॉन्च तो हुआ है। और ये क्रोमबुक उन लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल डील हो सकती है जिनका बजट 30,000 तक के अराउंड है। और बता दें आपको इस क्रोमबुक में मीडियाटेक का ऑक्टाकोर प्रोसेसर, 8GB रैम एंड चिकलेट कीबोर्ड देखने को मिल जाएगा, वो भी क्रोम ओएस के साथ। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक पूरा देखना क्योंकि इस वीडियो में आपको इस क्रोमबुक की स्पेसिफिकेशन एंड परफॉर्मेंस के बारे में पूरी जानकारी दूंगा और साथ ही साथ इसके प्रोस एंड कॉन्स के बारे में जानेंगे। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि क्या एक क्रोमबुक आपके डे टू डे के टास्क के लिए वैल्यू फॉर मनी डील रहेगी या नहीं। सो इट ऑफ लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस चलिए सबसे पहले जानते हैं इस क्रोमबुक के प्रोसेसर के बारे में। हमें इस क्रोमबुक में मीडियाटेक कॉम्पैंडो 520 प्रोसेसर का सपोर्ट दिया गया है और ये एक मीडियाटेक ऑक्टाकोर बेस्ड प्रोसेसर है जिसे 2022 में लॉन्च करा गया था। और ये प्रोसेसर 2.0 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक फ्रीक्वेंसी पे रन करता है और आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे टोटल 8 कोर्स और 8 थ्रेड्स। ये सब को इस क्रोमबुक में बेसिक वर्क के लिए काफी डिसेंट परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी और आप इसमें डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट एंड एडिट कर सकते हैं, वेब ब्राउजिंग कर सकते हैं, इसको वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए कंसीडर कर सकते हैं और आप इसको बेसिक फोटो एडिटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप इस क्रोमबुक को ऑनलाइन लर्निंग के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं, यानी आप इसमें अपने सभी तरीके के बेसिक टास्क इजीली कर सकेंगे। और बता दें ये प्रोसेसर 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है जिससे बैटरी को कम कंज्यूम करेगा। और इसके ऑपरेटिंग सिस्टम पर आए तो ये क्रोमबुक गूगल के क्रोम ओएस पर रन करती है। और बता दूं क्रोम ओएस के कई सारे एडवांटेजेस हैं क्योंकि ये लिनक्स पर बेस्ड है जिस पर हमारा एंड्रॉइड भी बेस्ड है, ये सब क्रोमबुक में एंड्रॉइड की सारी एप्लीकेशंस को यूज कर सकेंगे। और ग्राफिक कार्ड की बात करूं तो इसमें गेमिंग के स्पेशल ARM G52 ग्राफिक कार्ड दिया गया है जिससे आप एंड्रॉइड फोन की मोस्टली गेम्स इसमें एंजॉय कर सकेंगे जैसे कि कैंडी क्रश, कट द रोप, हिल क्लाइंब रेसिंग एंड लूडो किंग। पर फ्रेंड्स ये कोई गेमिंग डिवाइस नहीं है इसलिए आप इसमें हैवी गेमिंग मत करना वरना ये हैंग हो जाएगा। पर इसकी स्टोरेज ऑप्शन की बात करें तो इसमें 128GB की eMMC स्टोरेज दी गई है। और बता दें eMMC स्टोरेज एक तरीके की फ्लैश मेमोरी होती है जिसका यूज हमारे स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स में किया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर बाय चांस आपसे क्रोमबुक गिर जाए तो इससे आपके डेटा पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता। और रैम पर आए तो ये लैपटॉप 8GB की सिंगल LPDDR4X रैम के साथ आने वाला है जो कि एक ऑनबोर्ड रैम है जिससे आप इसमें रैम को फ्यूचर में रिमूव या अपग्रेड नहीं कर सकेंगे जो इस लैपटॉप का एक माइनस पॉइंट है। और चलिए बात करते हैं क्रोमबुक के डिस्प्ले के बारे में। इसमें देखने को मिल जाता है 4K इंचेस का 1920x1080 रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले। इसके डिस्प्ले 220 तक की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC कलर गैमेट का सपोर्ट दिया गया है जिससे आपको इसके डिस्प्ले में ठीक ठाक कलर्स एंड ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर इसके डिस्प्ले में 2 साइडिंग नैरो बेजल सेंसर प्रोवाइड किए गए हैं। कंपनी ने इस क्रोमबुक में काफी स्लिम बेजल सेंसर प्रोवाइड किए हैं और इसका एस्पेक्ट रेशियो 16:9 तक का है जिससे आपको इसमें फुल HD रेजोल्यूशन पर मूवीज एंड वेब सीरीज को देखने में काफी मजा आएगा। और इस लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बताऊं तो ASUS की इस लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी काफी बेहतरीन है। इसमें कंप्लीट प्लास्टिक का यूज किया गया है और आपको इसमें मेटल फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी। और इसकी टॉप की लिड पर ASUS एंड क्रोमबुक की ब्रांडिंग दी गई है और ASUS के क्रोमबुक काफी स्लिक एंड स्टाइलिश डिजाइन के साथ आती है। और बता दें इसमें लेयर फ्लैट डिजाइन का यूज किया गया है जिससे आप इस क्रोमबुक को 180 डिग्री तक रोटेट करके स्क्रीन शेयर कर सकेंगे। और इसका वेट 1.45 kg है और ASUS के क्रोमबुक काफी स्लिक एंड स्टाइलिश डिजाइन के साथ आती है जिससे आपके लिए इसे कैरी करना काफी कन्वीनियंट रहेगा। और क्रोमबुक ग्रे कलर में आती है। और वैक्यूम की बात करूं तो इसमें एक डिसेंट क्वालिटी वाला वैक्यूम का सपोर्ट दिया गया है वो भी इंटीग्रेटेड डुअल माइक्रोफोन्स के साथ जो आपके ज़ूम पर वीडियो कॉलिंग एंड मीटिंग्स के लिए काफी यूजफुल रहेगा। और मल्टीमीडिया को फुल एंड एंजॉय करने के लिए ASUS ने इस क्रोमबुक में डुअल स्पीकर्स का सेटअप प्रोवाइड किया है जिनकी साउंड क्वालिटी काफी डिसेंट रहने वाली है। इस क्रोमबुक की वायरलेस कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको इसमें बिल्ट इन वाईफाई 6 एंड ब्लूटूथ कार्ड लगे मिलने वाले हैं जिससे आप इसमें सभी तरीके के वायरलेस डिवाइसेस कनेक्ट कर सकेंगे। और चलिए अब जानते हैं इसके कीबोर्ड के बारे में। इस क्रोमबुक में स्टैंडर्ड साइज का चेकलेट कीबोर्ड देखने को मिल जाता है। कीबोर्ड के किसके बीच के अलाइनमेंट एंड की डिस्टेंस काफी अच्छा है जिससे आपको इस क्रोमबुक में टाइपिंग करने में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप इसमें काफी स्मूथली टाइपिंग कर सकेंगे। पर इसमें बैकलेट कीबोर्ड का फीचर नहीं दिया गया है जिससे आप इसे लो लाइट या डार्क कंडीशन में यूज नहीं कर सकेंगे जो थोड़ा सा निराश करता है। और ट्रैकपैड की बात करें तो इसमें एक डिसेंट साइज का ट्रैकपैड है और ट्रैकपैड फुल क्लिकेबल है, उसका टच रिस्पॉन्स भी काफी बेहतरीन है। और बैटरी के बारे में बताऊं तो ASUS के इस क्रोमबुक में 2 सेल्स वाली 42 वॉट की लिथियम बैटरी लगी है जिससे आपको इसमें काफी अच्छी बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगी। और पोर्ट्स में हमें इसमें सभी तरीके के नेसेसरी पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड में 1 USB टाइप सी पोर्ट, 1 USB टाइप ए पोर्ट, 1 microSD कार्ड का स्लॉट एंड 1 3.5mm का ऑडियो जैक देखने को मिल जाएगा। और राइट हैंड साइड में 1 USB टाइप सी पोर्ट दिया गया है। और चलिए बात करते हैं कि इस क्रोमबुक के बॉक्स को ओपन करने पर आपको क्या देखने को मिलेगा।
इस क्रोमबुक के बॉक्स में आपको क्रोमबुक पावर अडैप्टर और लैपटॉप के यूजर मैनुअल्स देखने को मिल जाएंगे। ASUS का क्रोमबुक मल्टीमीडिया हो, ऑनलाइन लर्निंग हो या बेसिक होम यूज से रिलेटेड वर्क के लिए काफी बेहतरीन मॉडल है। और ये क्रोमबुक जिस प्राइस रेंज में आ रहा है, आपको इसमें काफी शानदार कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि आपको इसमें 14 इंच का फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है विद 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। और इसमें MediaTek के CPU GPU का सपोर्ट दिया गया है। और इसमें 8GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज लगी मिलती है। इसमें HD वेबकैम का सपोर्ट रहने वाला है विद डुअल माइक्रोफोन। और इसमें डुअल स्पीकर का सेटअप दिया गया है। और हम इसमें सभी तरीके के नेसेसरी पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। और इतना ही नहीं, आपको यहाँ पे इसमें क्रोम OS का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, जिससे आपको इस क्रोमबुक में परफॉर्मेंस वाइज किसी तरह का कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। और इस क्रोमबुक पर पूरे 1 ईयर की वारंटी दी गई है। आप इसमें 5 to 6 आवर्स तक बड़े प्यार से काम कर सकते हैं और आप इस क्रोमबुक को लॉन्ग टर्म तक यूज कर सकते हैं। वाकई में ASUS के क्रोमबुक एक वैल्यू फॉर मनी डील है। और प्राइसिंग की बात करूँ तो अभी क्रोमबुक Amazon पर 26,990 तक की शानदार कीमत के साथ आ रही है। और इससे पहले कि गाइस इसका प्राइस इंक्रीज हो, आप इसे ऑनलाइन परचेज कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस क्रोमबुक का बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा। और अभी इस क्रोमबुक पर कई सारे ऑफर्स भी चल रहे हैं, जिससे आपको इस क्रोमबुक पर काफी अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल सकता है। और आप चाहो तो इस क्रोमबुक को EMI पर भी परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और अगर फ्रेंड्स आप इस तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और चलिए गाइस सब सीधा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।